All right, so there are a few questions related to this topic, and वो टॉपिक है आपका मेल गेमिटोफाइट फॉर्मेशन. मेल गेमिटोफाइट फॉर्मेशन इन प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 12th, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको ना लास्ट मोमेंट से पकड़ते हैं और जहाँ कन्फ्यूजन है उसकी बात करते हैं. ठीक है, लास्ट मोमेंट ये है कि हम ये जानते हैं, एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला हुआ है कि मेजॉरिटी जो प्लांट्स हैं वो पोलन ग्रेन को टू सेल स्टेज में एंथर से गिरा देते हैं. ठीक है, सो दैट्स ओके, वो पता है हमें. टू सेल स्टेज क्या हो गई, एक वेजिटेटिव सेल हो गया और एक जनरेटिव सेल हो गया. 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर रिलीजिंग देयर पोलन ग्रेन्स इन दिस पर्टिकुलर स्टेज. ठीक है, तो मेजोरिटी की बात हो गई, टू सेल स्टेज पे निकल गया. एक्चुअली मेच्योर स्टेज क्या होता है, जब वो जेनरेटिव सेल जो है उसमें एक और माइटोसिस होगा, एंड नाउ आई हैव अ वेजिटेटिव सेल, और जेनरेटिव सेल दो में डिवाइड करके दो जेनरेटिव सेल बना देगा. ठीक है, माइटोसिस हो रहा है, तो एक वेजिटेटिव था, अब जेनरेटिव ने डिवाइड किया, दो जेनरेटिव बना दिए. दीज टू आर नाउ नोन एज मेल गेमीट्स. समझ में आई बात, तो ये मेल गेमीट्स कहलाए आपके. ठीक, ये जो स्टेज है ना, आप हायर बुक्स में पढ़ोगे, अगर कोई बॉटनी पढ़ने जाएगा आगे, तो धीरे धीरे उनको रियलाइज होगा दैट दिस थ्री सेल स्टेज इज एक्चुअली द मेच्योर मेल गेमिटोफाइट. ठीक है, जिसमें कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव जेनरेटिव, बट तीन सेल्स होते हैं. ठीक है, तीन न्यूक्लियाई हैं बेसिकली उसके पास, वन इज वेजिटेटिव एंड टू न्यूक्लियाई ऑफ द मेल गेमीट. ठीक है, अब यहां पे क्या बात हो गई, कंफ्यूजन ही आ जाता है. एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट मेच्योर मेल गेमेटोफाइट इज वन, इट कंटेन्स वन वेजिटेटिव एंड वन जेनरेटिव. नाउ दिस बिकम्स अ बिट कंफ्यूजिंग, क्यों बोला हो सकता है ये चीज आप ध्यान रखो कि एनसीईआरटी एक काफी मोटी किताब हुआ करती थी, जिसको धीरे 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 कट डाउन करते 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 कंटेंट में शायद वो होता है ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला सिचुएशन हुआ है, कि कुछ लाइंस रख ली गई कुछ नहीं रखी, और उसके चक्कर में कंफ्यूजन हो गया है. सो अंडरस्टैंड द फैक्ट, एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर देती हूँ. 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स नियरली, ज्यादातर आपके पास डाइकॉट्स ही हैं, वो ज्यादातर आपका पोलन रिलीज करते हैं टू सेल स्टेज में, जो कि पोलन एंथर से तो टू सेल में निकल गया, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव लेके, लेकिन जब वो स्टिग्मा पे गिरेगा तो उसमें सेकेंड माइटोसिस होगा, क्योंकि हमें दो जेनरेटिव सेल चाहिए. इट इज नीडेड. व्हाई डू वी नीडेड, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके लिए एक मेल गेमीट जो है वो आपका कहते हैं सेंट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा एग के साथ फ्यूज कर जाएगा. राइट, सो वी डू नीड टू जेनरेटिव सेल्स विच विल बी नोन एज मेल गेमीट्स. तो ये बात हुई एक पहली बात फंडा. दूसरा, मेच्योर मेल गेमिटोफाइट इज अ मेच्योर पोलन ग्रेन. अ मेच्योर पोलन ग्रेन इज कंसिडर्ड एज द वन विच हैज वन वेजिटेटिव सेल एंड टू जेनरेटिव सेल, तब वो मेच्योर हुआ है. यहां मेच्योर को क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये मेच्योर को कंसिडर कर रहे हैं कि जब पोलन ग्रेन मेच्योर, तब बोला गया कि जब वो पोलन कहते हैं आपके एंथर से निकल गया. ठीक है, तो उस स्टेज को मेच्योर मान ले रहे हैं. मेच्योर हियर इज नॉट कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू बीइंग मेच्योर इन इन बोटानिकल टर्म्स और इन साइंटिफिक टर्म्स, बट मेच्योर एज इन कि हाँ चलो एंथर से निकल गया तो मेच्योर है, विच इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो अ मेच्योर मेल गेमिटोफाइट टेक्निकली करेक्टली कंटेन्स टू जेनरेटिव एंड वन वेजिटेटिव सेल, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अ मेच्योर मेल गेमिटोफाइट इज दैट मेल गेमिटोफाइट जो कि अभी एंथर से निकल चुका है, और 60% एंजियोस्पर्म्स में वो टू सेल में हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव. ये एक एक्सप्लेनेशन है कि एनसीईआरटी में क्या गड़बड़ हुई है. दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ सेल्स एंड नॉट एग्जैक्टली सेल्स. ठीक है, हो सकता है वो ये कह रहे हैं हमको कि एक वेजिटेटिव है और एक जेनरेटिव है, ये टाइप के दो सेल्स हैं उसमें, इट इज नॉट काउंटिंग नंबर्स, सो मे बी इट्स टॉकिंग अबाउट द टाइप्स. ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी का, इसमें गड़बड़ है, राइटिंग में गड़बड़ है मोस्ट प्रॉबली, क्योंकि फैक्चुअल गड़बड़ नहीं हो सकती है, ऐसी फैक्चुअल वाले लेवल पे नहीं होगा. ये कहीं ना कहीं वो मैंने बताया ना कि वो कंटेंट को छोटा करते 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 गोबर हो जाता है कभी कभी, तो वो वाला सिचुएशन हो गया. अच्छा, हम क्या करेंगे मैम, पेपर में आ गया तो पेपर में यूजुअली ये पॉइंट का ध्यान रखा गया है अभी तक, तो पहले इसको पूछ लेते थे, बट अभी काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है. अगर आता भी है तो दे विल मेंशन विच आपके पास थ्री सेल नहीं होगा. ठीक है,
अगर है भी तो यू विल गो विद एनसीईआरटी, वी विल गो विद एनसीईआरटी, एंड एनसीईआरटी सेज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट टू सेल थ्री सेल, वो नहीं बोल रहा है. अगर आपसे ये बोलते हैं कि मेच्योर मेल गेमेटोफाइट में कितने सेल्स होते हैं, तो तीन, ठीक है. और अगर पूछे कौन से, तो वेजिटेटिव जनरेटिव, ठीक है. सो थोड़ा झोल है, आई अंडरस्टैंड, बट ट्रिकी अपार्ट. सो इन चीज़ों का ध्यान एनटीए भी रखता है पेपर बनाते टाइम भी, कहाँ पे कुछ गड़बड़ है. एंड डोंट वरी, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से, प्रीवियस ईयर तो आप 2005 से पहले मत ही जाना, क्योंकि वो बहुत अलग है, एनसीईआरटी ही अलग थी, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है. आई होप दिस क्लियर्स योर कन्फ्यूजन ऑफ वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग. एनटीए कहाँ से क्या करता है, क्योंकि आजकल एनटीए एनसीईआरटी की भी पूरी पूरी नहीं मानता है. क्योंकि अगर आपको याद हो जी नॉट फेज का जो वो था, जी नॉट फेज के जो क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर जी नॉट फेज, जबकि उन्होंने आंसर सस्पेंड दिया. तो दे मेनली गो विद द एक्चुअल करेक्ट आंसर. सो यू शुड नो एक्चुअल करेक्ट आंसर नाउ, पता होना चाहिए. बट ऐसे जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, यूजुअली उसका कुछ ना कुछ इलाज निकाल ही लेते हैं ये लोग, ठीक है. तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन गो फॉर द एक्चुअल नॉलेज इज मेच्योर मेलगेमेटोफाइट विल हैव थ्री सेल्स, टू जनरेटिव, वन वेजिटेटिव, एंड द रेस्ट इज एनसीईआरटी. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. अगर और भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या एनी अदर टॉपिक, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड वॉट टाइप ऑफ नेक्स्ट वीडियोज यू वॉन्ट, एक काउंसलिंग का एक अलग से प्ले लिस्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो एक चीज़ आपको हेल्प कर देगी. एंड अगर और भी कोई चीज़ है तो बता दो मुझे कमेंट्स में, राइट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ऑल द वेरी बेस्ट.